अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, आई होप यू आर फाइन। सो टुडे इज़ द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज़ इंटरएक्टिविटी। व्हाट इज़ इंटरएक्टिविटी, व्हाट टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन इंटरएक्टिविटी। सो व्हाट इज़ इंटरएक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी जो भी चीज़, जो भी आपके पास कंपोनेंट या प्रॉपर्टीज़ इंटरफेस की जो असर करती हैं आपके इंट्रैक्शन पे, उसको हम कहते हैं इंटरेक्टिविटी। एक्चुअली इंट्रैक्शन है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्पीड ड्रिवन इंटरफेसेस का आपको एलेबरेट करूँगा। स्पीड ड्रिवन इंटरफेसेस रैपिडली इंप्रूविंग बट स्टिल इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास स्पीड ड्रिवन इंटरफेसेस, मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का कोर्टाना है, उसके बाद गूगल पे आप स्पीच से सर्च कर सकते हैं, बोल के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्प्रूव हो रहा है लेकिन अभी भी इनएक्यूरेट है। हाउ टू हैव रोबस्ट डायलॉग, डायलॉग का क्या मतलब है कि हम उसको स्पीच से कोई क्यूरी दें और वो उसकी बेस पे हमें आंसर दे, तो ये आपके पास डायलॉग है। इंटरेक्शन ऑफ कोर्स क्या मतलब है कि हम रोबस्ट डायलॉग कैसे दें इंटरेक्शन के थ्रू। तो इंटरेक्शन किस तरह का हो, अब जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है कि एयरलाइन रिजर्वेशन है। अब एयरलाइन रिजर्वेशन में सिस्टम है आपके पास ऑनलाइन, उसमें आपने बोल के अपनी टिकट बुक करनी है या कोई टाइम आपने पूछना है फ्लाइट्स वगैरह का, तो आपके पास रिलायबल यस और नो है। क्या मतलब है कि सिस्टम जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपने इस सिटी में जाना है, आप यस कहें तो वो यस और नो को अंडरस्टैंड करना सिस्टम के लिए बहुत इजी है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई भी इंग्लिश में, हर कोई इंग्लिश का सेंटेंस अपनी मर्ज़ी से बना के उसको पूछेगा, तो उसको अंडरस्टैंड करना और यस या नो को अंडरस्टैंड करना ये ज़्यादा इजी है। तो बजाय इसके कि इंटरफेस इस तरह का बनाया जाए कि कोई भी आके कुछ भी पूछ सके उससे और वो सिस्टम को उसके मुताबिक अमल करे, उसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि सिस्टम में हम हर स्टेप पे सिस्टम आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप सिटी कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिटी उसमें लिस्ट हो, आप सिटी की लिस्ट में से वो एक फिक्स लिस्ट होगी उसमें से आप उसका एक नेम लें, फिर वो आपसे यस पूछे कि आपने इसी सिटी में जाना है, आप यस या नो दे सकें, तो ये सिस्टम के लिए ज़्यादा इजी है। जैसे सिस्टम रिफ्लेक्ट बैक इट्स अंडरस्टैंडिंग, क्या मतलब है कि आप यस या नो में आंसर करें और सिस्टम आप जो उसने समझा है वो वापस आपको बताए भी। जैसे सिस्टम आपसे पूछे यू वांट ए टिकट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बोस्टन, आप यस कहें तो आपको बताए, आपको वापस आपको जवाब दे ओके आई अंडरस्टैंड यू वांट ए टिकट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बोस्टन, ठीक है। तो ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट स्पीच ड्रिवन इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास जो इंटरएक्टिविटी पे जो चीज़ आपके पास असरअंदाज होती है वो क्या है, लुक एंड फील। लुक एंड फील मतलब उसको देखने में वो इंटरफेस कैसा होगा। WMP systems have the same elements, windows, icons, menus, pointer, buttons, etc. but different windows system behave differently. مختلف ونڈو سسٹم جو ہیں وہ ڈفرینٹ بیہیو کرتے ہیں، جیسے میک او ایس اور ونڈوز ان میں ہیں WMP آئیکنز مینیوز وغیرہ ہی ہیں، لیکن ہر کسی کا اسٹائل چینج ہے۔ لک اینڈ فیل کہتے کسے ہیں، اپیرنس کو اینڈ بیہیویئر کو، کہ آپ کے پاس کوئی چیز نظر کیسے آ رہی ہے اور وہ بیہیو کیسے کرتی ہے۔ جیسے کہ ونڈوز میں آپ کسی فولڈر کو جب تک ڈبل کلک نہیں کریں گے وہ اوپن نہیں ہوتا بائی ڈیفالٹ، اگر آپ نے سیٹنگ سنگل کلک پہ نہیں کی ہوئی۔ میک او ایس پہ آئی تھنک زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سنگل کلک کریں تو آپ کے پاس فولڈر اوپن ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ہے کہ اپیئر کس طرح کا ہو رہا ہے اور اس کا بیہیویئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں، لک اینڈ فیل۔ نیکسٹ ون ہے آپ کے پاس انیشیٹو۔ انیشیٹو کا کیا مطلب ہے آپ کے پاس، سو انیشیٹو کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی ہم کمپیوٹر سے انٹریکٹ کرنا چاہیں، انٹریکٹیویٹی میں
इनिशिएटिव का क्या मतलब है कि जब भी हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन करना चाहें ह्यूमन, तो इनिशिएट कौन करता है डायलॉग को या इंटरेक्शन को? इनिशिएट का मतलब है कि जैसे हमने कोई ओपन करनी है, फाइल ओपन करनी है, तो हम जब तक डबल क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो फाइल ओपन नहीं होगी। तो मतलब क्या है कि इसमें इनिशिएटिव किसने लिया? हमने, ह्यूमन ने। जो आपके पास पुराने इंटरफेसेस थे, इसने एग्जांपल भी दी हुई है, क्वेश्चन आंसर इंटरफेस जो थे, उसमें इनिशिएटिव कौन लेता था? कंप्यूटर। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी एयरलाइन सिस्टम वाली। एयरलाइन सिस्टम क्या है कि एयरलाइन सिस्टम आपसे पूछता है कि आपने क्या न्यूयॉर्क से बोस्टन जाना है, तो इनिशिएट किसने किया? कंप्यूटर ने। क्वेश्चन उसने पूछा और आपने बाद में आंसर देना है, आपने पहले इनिशिएट नहीं किया, ठीक है? जो WIMP इंटरफेस है, जो आजकल यूज़ हो रहा है विंडोज़ आइकन मेन्यू पॉइंटर्स जिसमें यूज़ होते हैं, उसमें इनिशिएट कौन करता है? कंप्यूटर इनिशिएट करता है। ओके, यहाँ पे WIMP एक्सेप्शंस का क्या मतलब है कि WI इंटरफेस में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इनिशिएटिव कौन लेता है? कंप्यूटर लेता है, ठीक है? सिस्टम यूज़र नहीं लेता बल्कि कंप्यूटर उसमें पार्ट लेता है, ठीक है? इसमें इनिशिएटिव कंप्यूटर लेता है। ओके, लास्ट में हमारे पास है मॉडल डायलॉग बॉक्सेस। मॉडल डायलॉग बॉक्सेस कौन से होते हैं? कम एंड वोंट गो अवे, जो आपके पास शो होते हैं उसके बाद क्लोज नहीं होते जब तक आप उनको कोई प्रॉपर आंसर नहीं देते, ठीक है? उनमें से कोई प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते। गुड फॉर एरर्स, असेंशियल स्टेप्स। क्या मतलब है कि जब आपके पास एरर है, एरर के लिए हम मॉडल डायलॉग बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। क्यों? आपके पास एरर होगा तो अगर आप उसको जस्ट वैसे ही क्लोज़ कर देंगे तो हो सकता है वो एरर आपके लिए सिस्टम में कोई खराबी पैदा कर दे। तो मॉडल डायलॉग बॉक्स क्या करेगा? जब तक आप उन स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करेंगे वो आपको कोई भी और चीज़ यूज़ करने नहीं देगा, ठीक है? उसको मॉडल डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है? बट यूज़ विद केयर। डायलॉग बॉक्सेस को हम कम यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो यूज़र इससे तंग आ सकता है, तो जो हमारी इंटरेक्शन है वो तो हम इस वजह से बनाते हैं ना इंटरफेस के यूज़र को उसमें मुश्किल पेश ना आए। सो उसके बाद है एरर एंड रिपेयर। क्या मतलब है? कैन जो ह्यूमन की नेचर है उसमें ही एरर है। जैसे हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान जो है वो गलती का पुत्ता, इंसान गलती करता है, तो हम एरर को अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड का मतलब ये है कि हम ये इस तरह का इंटरफेस नहीं बना सकते कि जिसमें कभी भी गलती का चांस ना हो, ठीक है? ह्यूमन क्योंकि गलती करता है, तो हमने करना क्या है, अगर ह्यूमन कोई एरर करता है तो उसको ठीक करने के लिए हमें इंटरफेस में उसको स्टेप्स प्रोवाइड करने चाहिए, उसको वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहिए जिसके थ्रू वो उस एरर को ठीक कर ले, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर में रिसाइकल बिन क्यों बनाई गई है? कि अगर आप गलती से कोई फाइल डिलीट कर लेते हैं और बाद में आपको याद आता है कि ये तो इम्पोर्टेंट थी, तो आप रिसाइकल बिन से उसको दोबारा रिस्टोर कर सकें, ठीक है? तो ये आपके पास एरर एंड रिपेयर है, ठीक है? कैंट ऑलवेज अवॉइड एरर बट वी कैन पुट देम राइट, मेक इट इजी टू डिटेक्ट एरर। एक तो पहले हमें ये इजी बनाना होगा कि हम ये देख सकें कि एक्चुअली एरर हुआ क्या है, किस वजह से ये गड़बड़ हुई है इंटरफेस में, देन द यूज़र कैन रिपेयर देम। अब जैसे एग्जांपल मैं इसकी आपको देता हूँ, हमने कोई भी ब्राउज़र खोला हुआ है तो उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। गलती से मैंने मिनिमाइज़ करना था, मेरा क्रॉस पे क्लिक हो गया और वो बंद हो गया। अब जितने टैब्स मैंने ओपन किए हुए थे वो सारे के सारे लॉस्ट हो गए। तो अब उन्होंने इस एरर को रिपेयर करने के लिए क्या मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड किया कि हम हिस्ट्री में जाके उसको दोबारा रिकवर कर लेते हैं सबको, ठीक है? एक्सपीरियंस, इंगेजमेंट एंड फन, इसको आप छोड़ दें, ये टॉपिक आप रहने दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास डिज़ाइन ट्रेड ऑफ।
डिज़ाइन ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि डिज़ाइन ट्रेड ऑफ ये होता है कि अगर हम एक चीज़ को ट्रेड ऑफ दो चीज़ों में होता है हमेशा, अगर एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी को हमें मजबूरन डिक्रीज़ करना पड़ता है, दूसरी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पहली को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो ये इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स आर कंट्राडिक्टरी नीड ट्रेड ऑफ, क्या मतलब है कि जो हम कॉन्स्ट्रेंट्स लगाते हैं, कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं रूल्स को, रूल्स जो अप्लाई करते हैं हम वो कंट्राडिक्टरी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्राडिक्टरी एक दूसरे के उलट होते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल दी हुई है विद इन कैटेगरीज, सेफ्टी के हिसाब से कुकर कंट्रोल्स, क्या मतलब है आपके पास जो चूल्हा होता है, चूल्हे के आपने देखे होंगे जो कंट्रोल्स होते हैं जिससे आप गैस ऑन करते हैं, वो आपके पास इतना पीछे होते हैं कि अगर आप उसको ऑन करें तो आपके हाथ को हीट महसूस नहीं होती। ठीक है, फ्रंट पैनल सेफ फॉर एडल्ट, रियर पैनल सेफ फॉर चाइल्ड, जो बैक उसका होता है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो चाइल्ड के लिए सेफ हो। उसके अलावा बिटवीन कैटेगरीज का क्या मतलब है, एर्गोनॉमिक्स वर्सेस फिजिकल, कि जब हम एर्गोनॉमिक्स को देख रहे हैं, उनके रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें फिजिकल रूल्स को थोड़ा कम करना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मिनी डिस्क रिमोट, क्या मतलब है, मिनी डिस्क कहते हैं आपके पास वॉकमैन होता था, आपके पास छोटा, अगर यहाँ पे इसकी एग्जांपल, इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास है मिनी डिस्क। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे हैंड फ्रीज लगाते हैं और हैंड फ्रीज में आप कोई भी ऑडियो ट्रैक सुन सकते हैं। सो इसमें है क्या कि इसमें जगह बहुत कम है आपके पास। एर्गोनॉमिक्स कहती है, एर्गोनॉमिक्स क्या था मैंने आपको बताया था, एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी विच इंश्योर्स द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ एनी इंटरफेस। ठीक है, तो फिजिकल क्वालिटीज इसने लेट सी, एर्गोनॉमिक्स कहती है कि आपका बटन जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि इजीली आपके फिंगर से आप उसको टैप कर सकें, तो जब बटन आप इतने बड़े रखेंगे तो आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, आप बटन ज़्यादा नहीं यहाँ पे रख सकते। ठीक है, तो फिजिकल जो प्लेस है वो कम हो जाएगी अगर आप एर्गोनॉमिक्स को अप्लाई करेंगे, अगर एर्गोनॉमिक्स को अप्लाई नहीं करते, अगर आप कहते हैं कि बटन ज़्यादा रखने हैं तो फिर एर्गोनॉमिक्स आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, जो रूल्स हैं, तो ये आपके पास ट्रेड ऑफ है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। फिजिकल उन्होंने कहा कि नो रूम, मतलब वहाँ पे जगह नहीं बचती अगर आप इकोनॉमिक्स को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। सोल्यूशन क्या है, मल्टी फंक्शन कंट्रोल्स एंड रिड्यूस फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी जो आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है उसको ख़त्म कर दें। और मल्टी फंक्शन कंट्रोल्स का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको इसी में ही आपको एग्जांपल देता हूँ, अब ये जो आपके पास यहाँ पे नॉब नज़र आ रही है, नॉब कहते हैं जिसको हम घुमा सकते हैं, अगर हम इसको ट्विस्ट करें तो ये क्या करता है, ट्रैक मूवमेंट, अगर हम इसको इसी स्टेट में इसको मूव करें, मतलब ग्राउंड में ट्विस्ट करें, तो ये क्या करता है, ट्रैक को आगे करता है, फॉरवर्ड करता जाता है। ठीक है, और अगर हम इसको बाहर को पुल करके उसके बाद फिर ट्विस्ट करें तो ये वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। तो एक ही कंट्रोल से हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, मल्टी फंक्शन कंट्रोल के एक कंट्रोल से हम मल्टी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्लूइडिटी क्या है, डू एक्सटर्नल फिजिकल एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट लॉजिकल इफेक्ट, क्या मतलब है कि जो आपने फिजिकल वहां पे इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है, क्या वो उसका लॉजिकल जो अंदर फ्लो है उसको भी शो करता है। ठीक है, जैसे आपके पास हमेशा आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बटन्स होते हैं वो हमेशा जब हम नीचे को प्रेस करते हैं तो हमेशा चीज़ ऑन होती है, हमेशा जब ऊपर को करते हैं तो वो ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो फिजिकल जो उसका नज़र आना है वो उसका लॉजिकली जो उसके अंदर ऑन या ऑफ का जो मैकेनिज्म है उसको भी हमें शो करता है। इसी तरह आपका जो रेगुलेटर होता है फैन का, जब हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है।
ठीक है। सो इनवर्स एक्शंस इनवर्स इफेक्ट, क्या मतलब है इनवर्स एक्शन किसे कहते हैं कि लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपके पास जॉयस्टिक है इसको राइट साइड को क्लिक करेंगे तो आपके जहन में ये होगा कि जो फोकस है यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन में राइट साइड पे चला जाएगा। ऑटोमेटिकली ये इस चीज़ के फ्लो को शो करता है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे करेंगे तो आपके जहन में यही होगा, अगर आप इस पे ना भी देखें तो आपके माइंड में यही होगा कि जो आपके पास यहाँ पे ये फोकस है ये इस साइड, इस वाली साइड पे चला जाएगा। अप करेंगे तो अप चला जाएगा, फोकस डाउन करेंगे तो डाउन। तो इसकी जो अपीयरेंस है उसकी बेस पे आप इसका लॉजिकल फ्लो बता सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास फ्लूइडिटी थी। इनवर्स एक्शन मैंने आपको बता दिया, इनवर्स एक्शन वो होते हैं जो एक दूसरे के उलट होते हैं, जैसे ये यस है और ये नो है, ये भी एक दूसरे के इनवर्स एक्शंस हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मुखालफ हैं, एक दाईं साइड पे एक बाईं साइड पे, तो ये यस और नो के हैं। इसी तरह ये जो आपका जॉयस्टिक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर इनवर्स एक्शंस, इस तरह लेफ्ट एंड राइट आर इनवर्स एक्शंस। इसी तरह आपके पास ये जो राइट पे यहाँ पे इधर ने दिया हुआ है, अगर वो वॉल्यूम है तो भी इनवर्स एक्शन हैं। अप करेंगे ऊपर वाला वॉल्यूम का बटन दबाएंगे तो वॉल्यूम अप होगा, नीचे वाला करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास स्प्रिंग बैक कंट्रोल, स्प्रिंग बैक कंट्रोल्स क्या होते हैं कि जिनको अगर आप दबाएं तो वो वापस अपनी स्टेट में आ जाएं। जो आपके पास सिंपल इलेक्ट्रिसिटी के बटन होते हैं वो स्प्रिंग बैक कंट्रोल नहीं होते, जब आप उनको प्रेस करते हैं तो वो प्रेस ही रहते हैं, जब उन्हें ऑफ करना हो तो दोबारा आपको जाके उन्हें ऑफ करना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, ये जो मोबाइल्स में आपके पास बटन होते हैं ये सारे स्प्रिंग बैक कंट्रोल होते हैं। कैसे, जब इसको दबाते हैं तो वो दोबारा वापस ऊपर अपनी स्टेट में आ जाता है। ठीक है, इसे स्प्रिंग बैक कंट्रोल कहते हैं। वन शॉट बटन जॉयस्टिक भी यही है, जॉयस्टिक को आप राइट क्लिक करें तो दोबारा अपनी स्टेट पे वापस आ जाता है। ठीक है, लार्ज सिलेक्शन सेट्स बैठ गया, हिडन स्टेट, इसकी स्टेट हमें नहीं पता होती कि इस वक्त किस स्टेट में है, आया वो दबा हुआ है या वापस आ चुका है। मिनी डिस्क का मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल लेआउट, बाकी ये जो आपके पास नेक्स्ट ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप छोड़ दें, इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही टॉपिक्स कवर करने थे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।